Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, director of Destination Target English. Today I am going to explain you about some fill in the blanks. मैंने एक्सरसाइज 5 आपको एक्सप्लेन किए थे. हर एक एक्सरसाइज में मैंने 25 करके दो हिस्सों में आपको एक्सप्लेन किया था. आज मैं एक्सरसाइज 6 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यह चैप्टर में मेरी बुक में से ही क्लियर कर रहा हूँ. यदि आपके पास मेरी बुक है तो आप इसे पेज नंबर 142 पर देख सकते हैं. इस तरह की जो ग्रामर एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे इंग्लिश के जो रूल्स हैं ग्रामर के, उन्हें समझने के लिए. साथ ही आप इनकी मदद से सही इंग्लिश बोल सकते हैं और लिख सकते हैं. तो इस तरह के जो ग्रामर एक्सरसाइज है वो हर एक दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहेंगे और आप इनकी मदद से हर एक तरह के जो हैं ग्रामर के रूल को आसानी से समझ पाएंगे और सही इंग्लिश लिख पाएंगे और बोल पाएंगे. तो आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 6 में मैं आपको पार्ट ए में आपको 25 एक्सप्लेन कर रहा हूँ. फिर नेक्स्ट पार्ट में हम 25 लेंगे. तो चलिए हम शुरू करते हैं. आप पेज नंबर 142 पर इस चैप्टर को देख सकते हैं. यदि आप ये बुक लेना चाहते हैं तो डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश नाम से अमेज़न पर अवेलेबल है, या आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं या फिर आप स्टडी सेंटर से भी ले सकते हैं. तो चलिए हम देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स. आप यहाँ देख सकते हैं एक्सरसाइज 6 पेज नंबर 142. फर्स्ट, नीदर द मिनिस्टर नॉर हिज सेक्रेटरीज हैव और हैज, दो में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है. यहाँ पर तो आपको याद रखना है, यहाँ पर नीदर नॉर और आइदर और में जो हमें है पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब्स को चुनना होता है. तो आप यहाँ देख सकते हैं सेक्रेटरीज ज़्यादा हैं, मिनिस्टर एक है और सेक्रेटरीज ज़्यादा हैं. ये आगे वाला सब्जेक्ट है और जो पीछे सब्जेक्ट है वो है सेक्रेटरीज. मिनिस्टर एक है और सेक्रेटरीज ज़्यादा हैं, तो नीदर नॉर की स्थिति में और आइदर और की स्थिति में हमें पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना होता है. तो यहाँ पर सेक्रेटरीज ज़्यादा हैं, इसलिए हैव जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, मिल्क एंड सोडा बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, इसलिए आर यूज़ करेंगे यहाँ पर हम. मिल्क एंड सोडा आर अ नाइस ड्रिंक, एक अच्छे ड्रिंक हैं. द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एज वेल एज के साथ में एज वेल एज विथ और अलॉन्ग विथ, तीन के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं मदर सिंगुलर नाउन है और चिल्ड्रन जो है वो प्लूरल है. तो यहाँ पर हमें आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है इस द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन इज आउट. तो इसे आप ज़रूर याद रखें, नेदर नॉर आइदर और में पीछे वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना होता है और विथ अलॉन्ग विथ और एज वेल एज के साथ में आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार. नंबर 4, ही हैज़, दोस्तों को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो होगा फ्यू. ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त हैं. जिन चीज़ों को गिन सकते हैं उनके लिए फ्यू लगता है और जिनको नहीं गिन सकते हैं उसके लिए लिटिल यूज़ करते हैं. आप यहाँ देख सकते हैं शी हैज़, यहाँ पर लव की बात हो रही है तो यहाँ पर जो यूज़ होगा वो सही ऑप्शन होगा लिटिल. शी हैज़ लिटिल लव फॉर हर हस्बैंड. लव जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल के लिए हमें लिटिल का यूज़ करना होता है. फूड हैज़ के साथ में यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम. बी डबल एन बीन जो है वो सही ऑप्शन है. ये पैसिव वाइज स्ट्रक्चर है, तो हैव एज हैड के साथ में आप याद रखिए बी डबल एन बीन का ही हमें यूज़ करना होता है. फूड हैज़ बीन कुक्ड मीन्स खाना बनाया जा चुका है. शी हैज़ नो, यहाँ पर देख सकते हैं गोल्ड और सिल्वर, इनके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मच, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है. शी हैज़ नो मच गोल्ड एंड सिल्वर, उनके पास ज़्यादा सोना या चांदी नहीं है. यू हैव नॉट, यहाँ पर देख सकते हैं आप मैनी और मच दो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो काउ और हॉर्सेस को हम गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो होगा मैनी. काउंटेबल के लिए मैनी यूज़ करते हैं और अनकाउंटेबल के लिए जो है हमें मच यूज़ करना होता है. फूड हैज़ टू के साथ में मैंने आपको बताया ज़्यादातर जगह पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. फूड हैज़ टू बी कुक्ड, खाना बनाया जाना है. हैव हैज़ हैड के साथ में जो होता है थर्ड फॉर्म होता है बी डबल ई एन बीन,
जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर अभी पीछे बताया था, 6 नंबर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और 2 के साथ में जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म ज़्यादातर बी ही यूज़ होता है। नंबर 10, वंस अपॉन अ टाइम को देखकर आप समझ सकते हैं यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पास्ट के लिए जो सही ऑप्शन आएगा वो होगा लिव्ड। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड मैन कॉल्ड रामानुजन। नंबर 11, व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग हिज, नहीं होता है व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग हिम, तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। नेक्स्ट में भी हिम ही सही ऑप्शन होगा यहाँ पर, लेट हिम वर्क, उसे काम करने दो, लेट मीन्स होता है करने दो, तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, उसे काम करने दो। तो दोनों ही ऑप्शन में आपको ध्यान रखना है, लेट के साथ भी हिम का यूज़ करते हैं और पीछे की तरफ जब आता है तो उसमें भी हिम का ही हमें यूज़ करना होता है। 3 years, 3 साल बीत चुके हैं, चुके के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म, 3 years हैव पास्ड, 3 साल बीत चुके हैं सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से उसने पोस्ट को ज्वाइन किया, तो यहाँ पर आप इजीली पकड़ सकते हैं। द फिल्म स्टार्टेड और हैड स्टार्टेड, इसमें सही जवाब होगा बिफोर वी रीच्ड, द फिल्म हैड स्टार्टेड, पिक्चर शुरू हो चुकी थी, बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले ही पिक्चर शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म जो है पास्ट परफेक्ट टेंस करेक्ट ऑप्शन है, इसे आप ज़रूर याद रखें। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क बाय 2 PM, उन्होंने 2 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लिया था या ख़त्म कर चुके थे, उस समय पर वो काम ख़त्म हो चुका था, तो चुका था के लिए जो होता हैड प्लस थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करना। आई विश आई वर अ मिनिस्टर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, विश मीन्स हम कल्पना कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो होगा वो सही वर्ड होगा वर। आई ही शी इट के साथ वॉज का यूज होता है और यू वी दे के साथ वर का यूज होता है, लेकिन जब हम काल्पनिक वाक्य बनाते हैं तो आपको याद रखना है उस समय सभी में ही हमें वर का यूज करना होता है। तो आई विश आई वर अ मिनिस्टर, मेरी इच्छा है कि मैं एक मिनिस्टर बन जाऊं, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वर, क्योंकि हम यहाँ पर कल्पना कर रहे हैं, यहाँ पर सत्य नहीं है, हकीकत नहीं है। आई रेड और वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन शी केम, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो होगा वॉज रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था व्हेन शी केम, जब वो आई थी, जब वो आई थी तो मैं किताब पढ़ रहा था, तो रहा था के लिए वॉज प्लस आईएनजी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 17, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंस समय दिया हुआ है, आई एम लिविंग और आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1989, जब समय दिया होता है तो उसमें हमें हैव बीन का यूज़ करना होता है, इसे आप ज़रूर याद रखें, जब कोई काम हम कितने समय से कर रहे हैं तो उसके लिए हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन या विल हैव बीन होता है, तो यहाँ आई के साथ में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हैव बीन है। मैं रह रहा हूँ तो आई एम लिविंग हियर, मैं यहाँ रह रहा हूँ, और अगर समय बताना है तो आपको आसानी से आप देख सकते हैं इसमें समय दिया हुआ है, तो फिर इसमें हैव बीन जो है वो करेक्ट आंसर है। छोटा सा डिफरेंस आप समझ सकते हैं यहाँ पर, जब भी आपको सेंस और फॉर दिखाई दे या समय दिखाई दे तो आपको उसमें हैव बीन या हैज़ बीन का ही यूज़ करना चाहिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, इसके मैंने काफ़ी एग्जांपल्स दिए हैं तो आप अलग से भी देखकर समझ सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टेक्निक से पकड़ना चाहते हैं तो आप सीन्स को देखकर यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसमें एम नहीं आएगा, इसमें आपको हैव बीन का ही यूज़ करना है। बैड वेदर, दोनों का ही आवाज़ एक जैसा आ रहा है, कैन इफेक्ट, इसमें जो सही ऑप्शन है वो है AFFECT, प्रभाव डालता है पीपल्स एबिलिटी टू वर्क। मैंने एक चैप्टर दिया है सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग, जिसमें शब्द एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग होते हैं, तो आप उस चैप्टर को ज़रूर देखें, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पेज नंबर मैं मिस कर रहा हूँ, आप स्टार्टिंग में दिया हुआ है मैंने चैप्टर। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, 19 देखते हैं, कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, चुप रहें हम रेडियो सुन रहे हैं, तो यहाँ पर रहे हैं का आवाज़ आ रहा है, इसलिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आर प्लस आई एन जी।
जब मैं आया था तो बारिश हो रही थी, रहा था रही थी के लिए वॉज प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं हम। इट वॉज रेनिंग व्हेन आई केम, जब मैं आया था तो बारिश हो रही थी। हर हजबेंड हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, इसमें हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करेंगे। चूँका उसके हस्बैंड घर नहीं आए हैं अभी तक, और स्टिल और येट दोनों का ही मीनिंग होता है अभी तक, लेकिन दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है आपको याद रखना है। येट का मतलब होता है जो काम अभी तक हो जाना था लेकिन हुआ नहीं है, मतलब रोज़ वो इतने समय तक घर आ जाते हैं लेकिन अभी तक नहीं आए, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है येट। स्टिल का मतलब होता है जो चीज़ कंटिन्यूस चल रही है, और येट जो मैंने आपको बताया है कि जो काम हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ है तो उसके लिए हमें यूज़ करना है, तो उन्हें घर पहुँच जाना चाहिए था लेकिन अभी तक घर पहुँचे नहीं। तो हर हस्बैंड हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, अभी तक वह घर नहीं पहुँचे हैं। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ रहा हूँ के लिए एम प्लस आपको आई एन जी का यूज़ करना है। नेक्स्ट, इट स्टार्टेड रेनिंग, पानी गिरना शुरू हो गया। व्हाइल दे वर प्लेइंग, जब वो खेल रहे थे तो उस समय पानी गिरना शुरू हो गया। जब वे खेल रहे थे तो रहा था रही थी के लिए वर्ब प्लस आई एन जी का हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन 24, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं उड़ता। यहाँ पर भी मैं कल्पना कर रहा हूँ, मैंने आपको जैसे बताया है कल्पना करते समय हम वर का यूज़ करते हैं और वुड का यूज़ करते हैं, विल का यूज़ नहीं करेंगे। तो वर वुड जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं उड़ता। हाउ वॉज यस्टरडेज पार्टी, कल की पार्टी कैसी थी। तो का के लिए जो एपोस्ट्रॉफी है हम उसका यूज़ करते हैं, तो इसमें आप ज़रूर याद रखें यस्टरडे पार्टी नहीं होगा, यस्टरडेज पार्टी। हाउ वॉज यस्टरडेज पार्टी, कल की पार्टी कैसी थी। यहाँ मैंने 25 एक्सप्लेन किए हैं, नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट 25 आपको एक्सप्लेन करूँगा। इसके आंसर्स भी यहाँ पर मैंने नीचे दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पर आसानी से देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं, यदि आपके पास मेरी बुक है डेस्टिनेशन तारा। आज हम यहीं पर रुकते हैं एक्सरसाइज 6.25 पर। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सभी फिल इन ब्लैंक्स समझ में आए होंगे, और जो ग्रामर के रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको ज़रूर क्लियर हो गए होंगे, और आपकी सही इंग्लिश बोलने और लिखने में ये ज़रूर मदद करेंगे। इस तरह के और सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, मैंने सभी प्लेलिस्ट के यहाँ पर लिंक दिए हैं, तो आप वहाँ से क्लिक कर सभी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं, या फिर आप डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश लिखकर यूट्यूब पर चैनल में जाकर सभी वीडियोस को पा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़े पढ़ाएँ देश को आगे बढ़ाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।